am Rajesh Dejare sir and we are studying the lesson A Clump of Lilac in Standard 7. अब तक हमने बहुत सारी स्टोरी देखी है जिसमें हमने देखे है कि ये जो कैरेक्टर है निकोलाई योग्राफोविच अल्मासोव जिसे जिसका निकनेम पुलिया है उसके बारे में ये स्टोरी है जो कि एक आर्मी ऑफिसर है उसकी वाइफ भी है जिसका नाम वेरा है जो उसे बहुत हेल्प करती है वो एक एग्जाम दे रहे हैं पुलिया और वो एक मैप बना रहे हैं और वो मैप जो है उन्होंने अपने प्रोफेसर्स को दिखाए या उसको दिखाने के लिए प्रोफेसर्स को दिखाने के लिए जब वो मैप बना रहे थे तब उनके हाथ से एक गलती से क्या हुआ था एक धब्बा लग गया था उस मैप पर और उसको मिटाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया था उसे जब मिटाने के लिए उसे जब रब किया तब रब करने की वजह से वो उल्टा और ज्यादा बढ़ गया वो मैप और वो मैप पर वो जो धब्बा है वो और ज्यादा बढ़ गया और फिर उसे छुपाने के लिए उन्होंने फिर क्या किया वो एक क्लंप बनाया मतलब कि एक जो पौधों की झाड़ी झाड़ी टाइप का कुछ बनाया और फिर उसे सबमिट किया अपने प्रोफेसर को आगे क्या हुआ देखिए Yes, he said. How did you get these bushes here? I should have told him then and there how it had happened. He might only have laughed, but I said to him, but there is a clump of bushes there. अब क्या हुआ उन्होंने जो अपनी वाइफ वेरा को बता रहे हैं ये पूरी स्टोरी की क्या हुआ वो क्यों नाराज है क्यों उनका वो जो मैप है वो रिजेक्ट हुआ है तब वो बोले जो प्रोफेसर है उन्होंने पता है बोले उसको देखे तो मुझे बोले बोले अच्छा अच्छा बोले पर बोले यहाँ पे बशेस कैसे आई उस जगह पे उस स्पॉट पे बशेस कैसे आई तब फिर उस मैप में तब फिर मैंने बताया मैं अगर चाहता बोले तो मैं बता सकता था जो सच है वो मैं बता सकता था कि गलती से मेरे हाथ से धब्बा लग गया और उसे मिटाने के लिए मैंने वो सब किया करके पर बोले मेरी हिम्मत नहीं हुई ये बताने की अगर वो मैं बताता तो वो क्या करते ज्यादा से ज्यादा हंसते पर बोले मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की और मैंने क्या बताया मैंने ये बोला कि सर पर बोले वहां पे सच में बशेस है वो एक पर्टिकुलर जगह का मैप था और उन्होंने क्या बताया उस जगह में जहाँ का ये मैप है वहां पे सच में बशेस है सच में यहाँ पे वो क्लम है तो ये मैंने बताया बोले नो ही रिप्लाई वो जो प्रोफेसर से बोले उन्होंने फिर रिप्लाई दिया कि नहीं ये हो ही नहीं सकता I know क्यों नहीं हो सकता because I know the place well as the palm of my own hand there are no bushes there बोले मैं उस जगह को जहाँ का ये मैप है उस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ ऐसा उस प्रोफेसर का कहना है मैं जितना मेरे हाथों को जितने बारीकी से जानता हूँ उतना ही उस जगह को भी जानता हूँ और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस जगह पे बशेस नहीं है उस जगह पे इस तरीके के पेड़ पौधे नहीं है There were a good many officers present and a long discussion followed. फिर उन्होंने ये भी बताया कि बोले वहाँ पे उस मतलब हमारे कॉलेज में स्टॉप कॉलेज जो है वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं और उनके बीच में फिर वो एक लंबा डिस्कशन चला इसी को लेकर इस क्योंकि मैंने क्या कह दिया कि वहाँ पे बशेस है और उनका कहना था कि बशेस नहीं है तो वहाँ पे एक लंबा डिस्कशन चला और फिर क्या हुआ द प्रोफेसर सेड इफ यू आर सो श्योर ऑफ द क्लंप वी मस्ट राइड ओवर टुमारो एंड इंस्पेक्ट द प्लेस I will show you that you were either very careless or drew the plan from a map. क्या बताया उन्होंने प्रोफेसर ने क्या बोले बोले उसके बाद उनका जब डिस्कशन चला उसके बाद प्रोफेसर ने उन्हें क्या बताया कि बोले अगर तुम सच बोल रहे हो अगर सच में वहां पे क्लंप है तो बोले हम क्या करेंगे हम कल उस जगह पे सच में जाएंगे और उस जगह को इंस्पेक्ट करेंगे उस जगह का निरीक्षण करेंगे और फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि एक तो तुम केयरलेस हो तुम्हें कोई केयर नहीं है या फिर तुमने ये जो मैप है ये जानबूझकर कुछ प्लान के साथ में ऐसा कुछ तो भी किए हो अब वेरा ने पूछी क्या पूछी बट व्हाई इज ही सो श्योर दैट देयर इज नो क्लंप ऑफ बशेस देयर ठीक है तुमने तुम्हारे मुंह से निकल गया वहां पे बोलते वक्त कि भाई तुमने क्या किया वहां पे सच में बशेस है करके पर बोले वो जो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि उस जगह पे बशेस नहीं है तब फिर वेरा को अल्मासो मतलब कि कोल्या ने रिप्लाई दिया क्या जवाब दिया बिकॉज फॉर 20 years ही हैज नोन दैट प्लेस बेटर देन हिज ओन बेडरूम एंड बिकॉज ही नोज हिज सब्जेक्ट बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड इन द एंड दे विल ऑल नो दैट आई लाइड बोले क्योंकि 20 सालों से वो क्या कर रहे हैं वो उस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं इवन उनको अपने बेडरूम के बारे में जितना नहीं पता उतना उनको उस जगह के बारे में पता है और बोले वो इस सब्जेक्ट के जो जिस सब्जेक्ट का वो पर्टिकुलर मैप होगा बोले उस सब्जेक्ट के वो जो प्रोफेसर है वो सबसे बेस्ट प्रोफेसर है
उस सब्जेक्ट के बारे में उनके जितना किसी भी प्रोफेसर को जानकारी नहीं है, और इवन दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोफेसर है वो, और करके बोले आखिरकार उन्हें तो पता ही चल जाएगा कि मैंने झूठ कहा हूं कि वहां पे क्लंप है। हस्बैंड एंड वाइफ सेट साइलेंटली थिंकिंग। अब ये जो दोनों पति पत्नी है, वेरा और उसके पति अल्मासो, दोनों शांत होकर बिल्कुल कुछ बैठ गए सोचते हुए। सडनली वेरा एक्सक्लेम, कोलिया आई हैव एन आइडिया, वी मस्ट गो दिस मिनट, गेट रेडी क्विकली। अचानक से वो जब सोच रहे थे बैठकर सोच रहे थे, तभी अचानक से वेरा उठी और वेरा ने अचानक से एक्सक्लेम करते हुए बोली, बोले कोलिया, बोले मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक दिमाग आया है, बिल्कुल अभी की अभी तुम यहाँ से क्या करो, तैयार हो जाओ तुरंत में। तभी बोले पर उस आइडिया को अभी ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा इंस्पेक्शन कल है ना, बोले अभी ही करना पड़ेगा, तुरंत उठ जाओ। कोलिया फ्राउन, कोलिया ने बोला ऐसा क्या, अभी की अभी ऐसा क्या हो गया, अभी क्या हो गया। बोले डोंट डू एनीथिंग फुलिश प्लीज, बोले ऐसा कोई बेवकूफी भरा काम मत करो, बोले कोलिया ने अपनी वाइफ को। तब वेरा से आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फुलिश, वेरा से बोले मैं कुछ भी कोई भी चीज ऐसा फुलिश या बेवकूफी वाला काम नहीं कर रही हूँ। स्टैम्पिंग हर फुट, जोर जोर से वो अपने पैर चला के चलने लगी। बोले आई डोंट आस्क यू टू गो एंड अपोलोजाइज, बट इफ दोज स्टूपिड बशेस आर नॉट देयर, वी मस्ट गो एंड प्लांट सम एडवांस। बोले मैं नहीं चाहती कि तुम कल चलकर क्या करो, कल जब वो इंस्पेक्ट करेंगे उसको उनको जगह पर, क्योंकि जैसे वो तो सच्चाई है कि वहां पे क्रम है नहीं, तो बोले तुम फिर तुम क्या करोगे, जब झूठ पता चल जाएगा तो तुम माफी मांगोगे, और मैं नहीं चाहती, बोले कि मेरा पति उनके सामने प्रोफेसर के सामने माफी मांगे या अपोलोजाइज करे। तो बोले मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं जो है अगर वो जो स्टूपिड क्लंप है जो भी है वो वहां पे नहीं है ना, वो बशेस झाड़ी नहीं है ना उस जगह पे, तो बोले क्या करेंगे अभी के अभी हम क्या करेंगे, वो प्लांट लगाएंगे उस जगह पे रात में। तब ये सुनकर जो अल्मासोव है वो शॉक हो गया, बोले प्लांट बशेस। अल्मासोव ओपन हिज आईज वाइड, उसने जोर से अपने आंखों को खोला और बोलता है प्लांट लगाएंगे, बशेस लगाएंगे अभी के अभी, ऐसा कैसे संभव है। तब उसकी वाइफ ने बोला यस प्लांट देम, बोले हाँ प्लांट लगाएंगे अभी के अभी। If you told a lie, we must put it right. Get ready quickly. Give me my hat and coat and my umbrella. बोले हाँ बिल्कुल सही कहा, सही सुना तुमने, तुमने झूठ कहा है ना, तो तुम्हारे झूठ को हम सही करेंगे। कैसे सही करेंगे, तुम तुरंत तैयार हो जाओ, मुझे मेरी हैट और कोट दो और मेरी अम्ब्रेला दो, मेरी जो टोपी है, मेरी कैप हैट है, मेरा जो कोट है और मेरी जो छाता है वो दो, और तुरंत निकलते हैं। While he was getting these things, Vera was quickly opening all the drawers of the tables, pulling our baskets and boxes and emptying them on the floor. Earrings, only rubbish. They won't give anything for them. And this ring with its expensive stone, we must get it back again somehow. अब क्योंकि प्लांट लगाना है, रात में लगाना है, तो कुछ ना पैसे वगैरह भी लगेंगे, right? तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने घर के पूरे ड्रॉवर्स को खोले। वेरा ने तुरंत स्टार्ट कर दी खोलना वगैरह, उसके बाद में जितनी भी टेबल्स वगैरह उसको खींचना, बास्केट वगैरह को, बॉक्सेस को खोलना ताकि वहां से कुछ मिल जाए जिससे हम कुछ खरीद सके, ये सब उसने कोशिश की, तो उसको वो सब खाली मिले। फिर उन्होंने उसको एक जगह पे एक चीज सामान मिली, वो है ईयर रिंग, और ये ईयर रिंग ये फालतू है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर और उन्होंने कोशिश की तो वहां पे उसे मिला एक रिंग, जिस रिंग पर क्या लगा था, स्टोन्स लगे हुए थे, महंगे वाले पत्थर लगे हुए थे। अब बोले हाँ ये इससे कुछ मिल सकता है मेरे को, ये फायदे की है। तो इसके बाद में ये जब उसको दिखा तो उसने फिर क्या करी, उसने बोले इसको लेके जाते चलते हैं, इससे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इन 5 मिनट्स ऑल हर ट्रेजर्स वेयर गैदर्ड टुगेदर इन हर बैग, कम अलोंग शी सेड विद अ लास्ट लुक अराउंड। अब कुछ ही मिनटों के अंदर, 5 मिनट के अंदर उसके पास में उसका जो उसकी बैग में उसने खजाना जमा कर लिया, उसको जो भी चाहिए था। ट्रेजर्स मतलब खजाना, खजाना मतलब यहाँ पे इन द सेंस खजाना का मतलब क्या है कि उसको पैसे की जितनी भी जरूरत होंगी उतने पैसे जुट सके, इतना सामान उसको मिल गया, वो स्टोन वगैरह बाकी जो भी चीजें है उसने कलेक्ट कर ली। और बोले चलो मेरे साथ, तो इतना उसने बोली, कुछ देखी भी नहीं किसी की तरफ। बट इट इज गेटिंग लेट, उसके जो हस्बैंड, बट इट इज गेटिंग डार्क, उसके पति ने बोला, पर बोले अंधेरा हो रहा है बाहर, अभी कहाँ जाएंगे। अल्मासो ने विरोध किया, अल्मासो प्रोटेस्टेड, एंड इट्स 5 माइल्स अवे एंड इन एनी केस इट वॉन्ट वर्क, यहाँ से 5 माइल दूर है, इतना दूर है, और बोले तुम बोल रहे हो कि यहाँ से अभी के अभी चलो, बोले एक आइडिया काम नहीं करेगा। तो उसकी वाइफ ने क्या बोली, नॉनसेंस कम अलोंग, बोले ये क्या मतलब नेगेटिव मत सोचो, बोले चलो कोई लॉजिक की बात करो। दे वेंट फर्स्ट टू द पॉन ब्रोकर्स, ही वॉज अकस्टम टू द साइट ऑफ मिसफॉर्च्यून एंड एग्जामिन देअर थिंग्स कामली। क्या हुआ, वो कहा गए पॉन ब्रोकर के पास गए, जो
पानपुरुकों का मतलब होता है ऐसा आदमी जो सामान लेकर पैसे देता है ना, जैसे सोने चांदी की क्रिकेट दुकान में साहूकार हम बोल सकते हैं पान ब्रोकर का मतलब। तो उसके पास गए तो उसके दुकान जो था वो बंद था, और उसने मुझे देखी, अरे अब तो कोई काम ही नहीं है ना, क्योंकि दुकान ही बंद है तो क्या मिलेगा। वो देखते रहे एंड फॉर सो लॉन्ग दैट वेरा बिगेन टू लूज पेशेंस, ही ऑफर्ड हर 3 रूबेल्स फॉर द डायमंड इन हर रिंग। और फिर वो जब थोड़ा सा खुला दिख गया उसको कोई एक तो परिचित वाला पहचान का जब दुकान एक मिल गया, तो वहां पे वो जब गई और फिर उसने जो है उसके को पेशेंस के उसका खो रही थी कौन वेरा, तब फिर वेरा गई उस और फिर जो दुकान जो साहूकार है जो पान ब्रोकर है, एक तो ये लेट गए थे तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ 3 रुबेल ऑफर किया। बोले मैं ये जो रिंग में तुम्हारा जो प्रीशियस स्टोन है जो डायमंड लगा हुआ है हीरा लगा है इसके बदले मैं 3 रुबेल दे सकता हूँ, आई कैन ऑफर ओनली 3 रुबेल। रुबेल का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में करेंसी जो है कौन सी है, हम भारत में खरीदारी करने के लिए क्या खर्च करते हैं, रुपी रुपीज है ना, तो उस तरीके से जो जैसे अमेरिका में डॉलर होता है करेंसी, ब्रिटेन में या मतलब कि इंग्लैंड में पाउंड होता है, उसी तरीके से रशिया जो है, ये स्टोरी रशियन राइटर अलेक्जेंडर इवानोविच कुकरिन ने लिखी है, ये स्टोरी एक रशियन बैकग्राउंड पर बेस्ड है। तो जो रशिया में जो खरीदारी बिक्री के लिए जो चलन है जो करेंसी है उसका नाम है रुबेल। तो वो जो दुकानदार या वो जो साहूकार था उसने बोले मैं इसके बदले से 3 रुबेल दे सकता हूँ। इट इज अ रियल स्टोन, वेरा प्रोटेस्टेड, वेरा ने विरोध किया, बोले ये सही असली पत्थर है, ये असली हीरा है, इट इज वर्थ 37 रुबेल एटलीस्ट, बोले इसके सिर्फ कम से कम 37 रुबेल मिलने चाहिए। पर बोले तुम तो सिर्फ 3 बात कर रहे हो, कितना कम बोल रहे हो। पर द मैन क्लोज हिज आईज विद अ लुक ऑफ वेरी इंडिफरेंस, बट अनदर ऑफ हर ट्रेजर्स वाज वैल्यूड हाईली एंड ऑल टुगेदर दे मैनेज टू गेट 25 रुबेल्स विच वॉज मोर देन इनफ। अब उस आदमी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, उसने बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस रुपये के, ये तुम्हारा कितने का है, बोले मैं 3 रुबेल दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। पर फिर और उसने अपने जो बास्केट या बैग में से और कुछ हुई चीज ली और उसके बाद में उसकी वैल्यू बहुत अच्छी मिली और उन्होंने कहीं से तो भी करके 25 रुबेल टोटल क्या जो है कलेक्ट कर लिए, उनको मिल गए और वो उनको जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा ही रकम थी, बढ़िया रकम थी, अच्छी खासी रकम थी। देन द अल्मासोस ड्रोव टू द गार्डनर्स हाउस, ही हैड जस्ट सैट डाउन टू सपर विद हिज फैमिली एंड वाज नॉट टू प्लीज्ड व्हेन द टू विजिटर्स अराइव्ड विद देयर मिस्टीरियस रिक्वेस्ट। अब वो पाई मतलब उसके अपने रुबेल वगैरह सामान लेकर अब वो गए गार्डनर के यहाँ, काहे के लिए, वो बशेस लगाने के लिए गार्डनर किया। पर वो जो गार्डनर था वो क्या कर रहा था, वो गार्डनर जो है बस सफर करने के लिए बैठा हुआ था, मतलब शाम का जो खाना है बचा हुआ वो खाना वो देर रात को अभी रात के समय में वो खा रहा था, तो उसके लिए बैठा हुआ था। तब वो खाना खाते तो उसको जब वो दो आदमी आए गार्डन में, कौन ये वेरा और अल्मास हो, उनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ, उसको ये बोले ये कौन कैसे क्या काय के लिए आए होंगे, कैसी रिक्वेस्ट बोल रहे कि इतने रात को पौधे लगाने हैं। तो ये देखकर वो ये सुनकर वो उसको भी मतलब उसने भी जो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो भी खुश नहीं दिखा। इन दिस हियर यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ मिस्टीरियस, हियर आर 3 ऑप्शंस, स्ट्रेंज, अनरीजनेबल, नॉट अप्लीकेबल। तो मिस्टीरियस का सही मतलब क्या होगा वो आपको लिखना है, मैं सही मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके बाद की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो कि लास्ट में स्टोरी है। थैंक यू सो मच।